पहलवान गोलू पहलवान गोरखपुर शिवाजी आगरा और रामेश्वर पहलवान दिल्ली। रेफरी जो घूमते रहे चारों तरफ एक स्थान पे खड़ा ना हो। वो तो बैठ के दोनों आदमी पहुंचे हुए पहलवान है आप लोग घूमते रहिए। बेइज्जती होता है पहलवान बोला हो जाए लाल भगत रहा भागत नहीं थोड़ा सा बात है भागत तो बड़े का बहुत बढ़िया लड़का बाबू कला का प्रदर्शन कीजिए। इस अखाड़े की एक गरिमा है उस पर ताक मत लगाइए। अरे जाओ कहा खड़ा से नीचे उतारा जाए रेफरी लोग ही रहे हैं अखाड़े पे। भैया आप चलिए अरे अखाड़े का संचालन रामधनी पहलवान जी किए थे और उनके सुपुत्र मनीष पहलवान जब इसकी पक्षपाती नहीं हुई तो ये अखाड़े पर किसी प्रकार की कोताही नहीं पक्षपाती किसी कीमत पर नहीं होगी। आप जान जाइए चाहे मेरे भाई हो मेरे लड़के हो कोई भी हो पक्षपाती नहीं होगी। अब फंस गया है तो दंडन देख लीजिए। पाँच मिनट का समय अभी और है इन लोगों के पास। पाँच मिनट का समय बचा है। पाँच मिनट समय आप लोग ले लिए है। वाह
और देखिए अखड़ा से बाहर जाइएगा, तीन बार अब चल जाइएगा तो उसको पराजित माना जाएगा। अखड़ा से बाहर नहीं जाना है। जानती है मैं धक्का मार रहा हूँ। दर्शक बंधुओं से आग्रह की कृपया आप लोग शांति बना कर रहे हैं। बोलिए बजरंगबली की जय। कुश्ती का मजा लीजिए, हल्ला मत कीजिए। हम लोग सब देख रहे हैं। अरे पहलवान देखिए चार दोबरी में फंस रहा है, आप लोग चाहे लेंगे बेचैन है, चार दोबरी में फंस रहा है लेकिन भागेगा नहीं। अरे पहलवान जम कर लड़ रहे बीच में, ये तो खुद जनता देख रही है कि दोबरी में जम चल रही है। अच्छा दे रहा मैं भाग रहा हूँ। एक मिनट हेलो, अगर आखिर सुन लीजिए, तीन बार कोई पहलवान भाग जाए इसके बाद में तो उसकी हार मान ली जाएगी। या अगर पुलिस का इज्जत नहीं बचा है तो हमारे लड़के, हमारे भाई, हमारे बाप का इज्जत नहीं बचेगा। इन लोगों का समय समाप्त हो गया, जल्दी समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ। समय समाप्त हो गया, अब समिति क्या निर्णय लेती है आप लोग समझिए। आप लोग शांति बना कर रहे, कमेटी जो निर्णय करेगी वही निर्णय सरकारी होगा। जनता
देखिए सुनिए गोलू बाबू, तमीजी जो भी क्या करेगी वही नाश निंदा होगा। गोलू बाबू सुनिए, हमारे पास को प्रतिष्ठा दीजिए गुरु जी। देखिए गोलू